बिहार बोर्ड द्वारा जारी 10वीं के रिजल्ट में दरभंगा जिले के नाग मंदिर भैरव पट्टी में चलने वाले भव्या क्लासेस के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन से ये साबित कर दिया है कि जज्बे के साथ मेहनत किया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बता दें कि कोचिंग के संचालक अरविंद कुमार ने कहा कि लॉकडाउन रहने के बावजूद भी जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस के साथ छात्रों ने पढ़ाई में अपना लगन दिखाया है, उसी का देन है कि इस बार की परीक्षा में भव्य क्लासेस के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पूरे दरभंगा में अपना परचम लहराया है। कोचिंग संचालक ने बताया कि कुमार धनंजय को 431, नाहिद खातून को 422, अविनाश कुमार को 418 नंबर, इसके साथ ही कई सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। वहीं इस मौके पर कोचिंग संचालक अरविंद कुमार ने छात्रों को मिठाई खिलाकर उनको सम्मानित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनके यहाँ पढ़ने वाले छात्र बिहार में टॉप करने का काम करेंगे। पहले आपको यह बता दूं कि ये जो कोचिंग है भव्या क्लासेस, ये 2012 से ही चल रहा है और हर साल लगातार छात्रों पर मेहनत की जाती है। जितने भी छात्र हैं उनको प्रैक्टिकली बताया जाता है, ये नहीं कि आप एग्जाम पास कीजिए। मेन मकसद मेरा यही होता है कि कम से कम विद्यार्थी को कोई भी चीज बताया जाए तो उसके जिंदगी दैनिक लाइफ से जोड़ के बताया जाए, जिससे विद्यार्थी ज्यादा सीखे। क्योंकि हर एक विद्यार्थी अलग परिवेश से आता है, अलग समाज से आता है, उनका एप्टीट्यूड एटीट्यूड सब अलग होते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए उनको तैयारी करवाई जाती है और जब भी एक चैप्टर खत्म होता है फिर 5 दिनों का उनको टाइम दिया जाता है, फिर उसका टेस्ट लिया जाता है। और इस टेस्ट में जो मेरे टेस्ट के डायरेक्टर है पंकज, वो काफी मदद करता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों को तैयार करवाना, और विद्यार्थी काफी मेहनत करते हैं, टीचर का काम होता है गाइड करना, दिशा दिखाना, लेकिन पूरा श्रेय विद्यार्थी का होता है। अगर वो घर पे मेहनत नहीं करे, सेल्फ स्टडी नहीं करे, तो वो इस मुकाम को नहीं पा सकते हैं। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के कारण सारी शैक्षणिक प्रक्रिया काफी बाधित हुई, फिर भी अंत में जो 3 महीना हम लोग को मिला उसमें विद्यार्थियों को हम 7 बजे से बुलाकर शाम में 5 बजे तक पढ़ाते थे। बीच में समोसा या बिस्किट कुछ भी खिलाकर उनको हम पढ़ाते थे और उसमें विद्यार्थियों ने काफी सहयोग किया, मदद किया। और मुझे यह बहुत खुशी हो रही है कि इस बार मैट्रिक के एग्जाम में 30 स्टूडेंट मेरे यहाँ से अपियर हुए थे, उसमें 5 स्टूडेंट का 400 प्लस है, 15 से अधिक स्टूडेंट का 350 प्लस है और 13 से 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया। और इंटर के एग्जाम में भी मेरे यहाँ से लगभग 20 स्टूडेंट थे, 20 में से 18 स्टूडेंटों ने फर्स्ट डिवीजन से 350 से ज्यादा मार्क्स लाए हैं।